सो हम जो इंडियन लोग ना वो बहुत मेहनती हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि इंडियंस बहुत मेहनती होते हैं। मेहनती हैं तो जो पैसा है वो बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई गाड़ी भी लेनी हो ना तो हम पहले बजट डिसाइड करते हैं हमारा बजट कितना है और हमें इस बजट के अंदर गाड़ी लेनी है। और गाड़ी लेते टाइम भी हम 100 से 200 साइट्स छान मारते हैं, भाई कौन सी गाड़ी किस साइट्स पे अच्छी दिखाई जा रही है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हों, माइलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत कुछ देखते हैं हम। इवन रिश्तेदारों से भी पूछते हैं, भाई हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हालांकि वो हमारा ड्रीम नहीं है, वो हमारी नीड ज़रूर है। अगर हम गाड़ी लेते टाइम इतनी इंक्वायरी करते हैं जो हमारी एक नीड होती है, ना कि ड्रीम। और अगर बात आती है हमारी ड्रीम की, मेरे कहने का मतलब है अगर हमें बाहर जाना हमारा ड्रीम है तो हम वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं इतनी रिसर्च करते। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सोशल साइट्स पे इतने सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम क्यों नहीं देखते उनको। बहुत सारे लोग हैं जो कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों का जो वर्क वीज़ा वो अप्रूव होता है गाइस। तो जिन भी व्यूअर्स ने मेरी LMIA वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो को देखना मत भूलना। नाउ बात करते हैं वर्क वीज़ा की। तो उसके बाद आपको क्या होता है, आपको एक प्रॉपर फाइल रेडी करके बॉर्डर सर्विस ऑफिसर जो होता है, CBSA ऑफिसर, वहाँ जाना होता है बॉर्डर पर। वहाँ जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वर्क वीज़ा के लिए पुट अप करनी होती है। वहाँ पर बिल्कुल गाइस आपका एक इंटरव्यू जरूर होता है, वो इंटरव्यू लेता है, आपको वो इंटरव्यू क्लियर करना होता है। आपको उसके पुट किए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है कि आप यहाँ पर विजिटर वीज़ा के लिए आए हैं, आपका जो स्टेटस है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर स्टेटस फिल किया था वो घूमने फिरने का किया था, बट आप यहाँ पर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो वो आपको वर्क वीज़ा बिल्कुल इशू कर देगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, वो जस्टिफिकेशन प्रॉपर कर नहीं पाते एप्लीकेंट, और वहाँ पर चांसेस रिफ्यूज़ल के बन जाते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सो गाइस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर कनाडा में आपका कोई भी रिलेटिव जो वहाँ पर PR है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो जाएगी एम्प्लॉयर को सर्च करना, और आपका टाइम भी सेव हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि कनाडा में हम 6 मंथ की एंट्री के साथ आते हैं और हमारे पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड टाइम होता है, हमें जो भी करना होता है 6 मंथ के अंदर अंदर करना होता है। अगर आपका वहाँ पर कोई भी रिलेटिव नहीं है तो गाइस आपके पास 2 ऑप्शन है, खुद ही मशक्कत करनी पड़ेगी इधर उधर जाकर, एम्प्लॉयर देखना कहाँ का हायरिंग चल रही है, किस किस पोजीशन में के लिए मेरी प्रोफाइल सूटेबल है, तो वो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पर, जिसमें टाइम ज़रूर लगता है आपको। या दूसरा ऑप्शन है, आप वहाँ पर कोई कंसल्टेंट, कोई एक्सपर्टीज़ वो देखते हैं जो आपको गाइड करता है, जो आपकी फाइल जो है वर्क वीज़ा के लिए पुट अप करता है, उस केस में टाइम सेव है बट मनी है वो आपको ज़रूर देनी पड़ सकती है जितनी वो कहेगा। तो गाइस इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कनाडा से वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, बट 50% चांसेस होते हैं उनका वीज़ा अप्रूव हो जाए, अदरवाइज रिजेक्शन मिल जाती है। द रीज़न क्योंकि वो अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट क्यों करवा रहे हैं, इस रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर पाते CBSA ऑफिसर के सामने। तो मेरी तरफ से आपको एक बेस्ट एडवाइस यही है कि आप अपनी 6 मंथ की एंट्री में वहाँ पर एक एम्प्लॉयर ढूँढिए, एम्प्लॉयर ढूंढने के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, LMIA के लिए अप्लाई कीजिए, जिसमें 2 से 3 मंथ या मैक्सिमम 4 मंथ भी लग सकते हैं अगर आपको एम्प्लॉयर बहुत जल्दी मिल जाता, और उसके बाद वो आपको जॉब ऑफर इशू कर देगा। देन आफ्टर दैट कम बैक टू इंडिया और यहाँ से अपनी वर्क वीज़ा की फाइल है वो पुट अप कीजिए एम्बेसी में कि मेरे पास LMIA है, मेरे पास जॉब ऑफर भी है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप वर्क वीज़ा की फ़ाइल अप्लाई करते हैं तो बहुत हाईली चांसेस होंगे वीज़ा अप्रूव होने में। तो होप्स हो कि आपको समझ आ चुका होगा, बिल्कुल आप कनाडा में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा, चांसेस थोड़े कम हैं। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं सो देर आर हाईली चांसेस टू अप्रूव योर वीज़ा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, मेरे कहने का मकसद क्या है और कैसे आपको वहाँ पर जाके क्या क्या काम करना है, किस किस वे से। सो गाइस बाकी आपको पता है क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।